हंसना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप हंसते हैं ना, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। लेकिन जब भी आपके दांत में या मसूड़ों में दर्द होता है या तकलीफ होती है, तो आपकी जो ये हंसी है ना, थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपके मसूड़ों में काफी दिनों तक या काफी लंबे समय तक कालापन है, तो क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, तो ऐसा क्यों हो जाता है? इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ट्रैवलर ब्लॉग्स। ऐसा मैंने बहुत लोगों में देखा है कि जिनके मसूड़े काफी ज्यादा काले होते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने हंसी को लेकर के। वो किसी के सामने ज्यादा हंसते नहीं है, ये सोच के नहीं हंसते हैं कि उनके मसूड़े काले हैं और सामने वाला देख करके उनका कोई मजाक ना उड़ा दे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल भी मत ऐसा सोचिए। अगर आपकी जन्म से ही आपके मसूड़े थोड़े से डार्क हैं, थोड़ा से ब्लैक है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? वो तो नेचुरल है, उसमें आपकी कोई गलती तो नहीं है। लेकिन अगर आपके मसूड़े काफी लंबे समय तक ठीक थे, कुछ समय से काले हो गए हैं या डार्क हो गए हैं, तब आपको सोचने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो जाता है, कुछ कारण है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला रीजन आता है मेलानिन। मेलानिन जो है हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। कुछ लोगों में मेलानिन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा कम होता है। जिनके अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी स्किन और हेयर काफी ज्यादा डार्क होते हैं। अगर आपके मसूड़े जन्म से ही डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर आपके मेलानिन का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन अगर आपके मसूड़े काफी लंबे समय से सब ठीक ठाक था, नेचुरल था, लेकिन कुछ समय से आपके जो मसूड़े ना, हल्के से ब्लैक स्पॉट उसमें आने लग गए हैं, तो चिंता करने की बात है। ये मत सोचिए कि ये मेलानिन की वजह से है, कुछ और रीजन भी हो सकता है। डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाइए। दूसरा रीजन होता है स्मोकिंग। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, तो उनके जो लिप्स होते हैं और जो गम्स होते हैं, वो ज्यादातर ब्लैक होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्मोकिंग आप करते हैं, जो सिगरेट आप पीते हैं, उसके अंदर होता है निकोटीन। और निकोटीन क्या करता है, जो मेलानोसाइट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करता है, निकोटीन क्या करता है, मेलानोसाइट्स को और धक्का देता है कि तुम और प्रोड्यूस करो मेलानिन को, जिसकी वजह से आपके जो लिप्स हैं, जो आपके गम्स हैं और जो इनर चीक हैं, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक जो है कलर का होने लगता है। इसे हम बोलते हैं स्मोकर मेलानोसिस। तीसरा रीजन होता है मेडिकेशन। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जिनके बहुत ज्यादा झुर्रियां हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्ने, इसका जब इलाज करवाते हैं कुछ लोग, तो ज्यादातर जो डॉक्टर है ना, कुछ मेडिसिन दे देते हैं, और उस ज्यादातर मेडिसिन में मीनोसाइक्लिन नाम का एक मेडिसिन होता है, जिसकी वजह से जो मसूड़े हैं ना, ज्यादातर लोगों के जो हैं थोड़े से डार्क हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस उनके माउथ में हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और मेडिसिन का कोई दूसरा अल्टरनेटिव उनसे पूछिए। चौथा रीजन होता है एडिसन डिजीज। अगर आपको ये बीमारी है, तो इस बीमारी में क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब आपको ये बीमारी हो जाती है, तो ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को काम करने नहीं देता है और हार्मोन को प्रोड्यूस करने नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड है काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, आपके लिप्स पे, आपके गम्स पे डार्क स्पॉट आ जाते हैं। अगर हम बॉडी की बात करते हैं, तो हमारे नीज, एल्बो, पाम पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। पांचवा रीजन होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ये एक तरीके का गम इन्फेक्शन होता है। ये ज्यादातर पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होता है। अगर आप अपने माउथ की सफाई सही ढंग से नहीं कर पाएंगे ना, तो दांत और मसूड़े कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। और भी कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस,
लैक ऑफ स्लीप या अनहाइजीनिक फूड खाने से भी आपको ये इंफेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है और डेड टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। उसकी वजह से आपके मसूड़े काफी ज्यादा ग्रेइश या फिर ब्लैकिश होने लगते हैं। उसके बाद आपके मसूड़ों में ज्यादातर छाले रहते हैं, मुंह से बदबू आने लगती है या फिर आपको बहुत ज्यादा मसूड़ों में दर्द होता है और इसकी वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। सिक्स्थ रीजन होता है अमलगम टैटू। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है। अमलगम टैटू कुछ नहीं होता है। जब भी आपके दांत में कैविटी होती है तो आप चले जाते हैं डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट क्या करता है, उसमें फिलिंग कर देता है। कुछ डेंटिस्ट जो है ना चांदी के रंग की फिलिंग कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं अमलगम। वो क्या करता है, जिस दांत में फिलिंग होती है कुछ दिनों के बाद आप देखने लगोगे कि जो उसके बगल वाला जो मसूड़ा होता है या फिर गाल होता है या गल्फा होता है वो हल्का हल्का ब्लैक होने लगता है या फिर ग्रे होने लगता है। कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं भी होता है। अगर आप इसका इलाज पूछेंगे कि ब्लैक गम्स का क्या इलाज होता है, जो जो कारण है उसका आप इलाज करा लो। सबसे पहला काम, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्लीज स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। रीजन आपको मैं बता ही चुका हूं। दूसरा कारण होता है कि अगर आपके बहुत ज्यादा पुअर ओरल हाइजीन है, अगर आप दो टाइम ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉस नहीं करते हैं, माउथ वॉश नहीं करते हैं तो प्लीज करना स्टार्ट करिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर आपके मसूड़े जन्म से ही ब्लैक हैं तो इसमें आप कॉस्मेटिक पेरिडोंटल प्रोसीजर्स होती हैं, लेजर ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो ये मसूड़े ब्लैक वाला है ना ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको एडिसन डिजीज है तो इसका इलाज करा लीजिए। और अगर आपको मेडिसिन कोई रिएक्ट कर गया है, जैसे मैंने आपको बताया एक्ने में जो मेडिसिन जो ड्रग्स दी जाती हैं वो कभी कभी मसूड़ों को काला कर देती हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए और उसका कोई दूसरा उपाय जानिए। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है और वीडियो आपको पसंद आया है तो बिना लाइक किए मत जाएगा, शेयर कर दिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।